हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर अक्टूबर सेकंड हाफ कैसा बीतेगा, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे अपने ऊपर बिल्कुल भी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकेंगे। सो लेट अस स्टार्ट हियर, लेट अस सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस जेमिनाई। अक्टूबर सेकंड हाफ फॉर आवर जेमिनाइज आउट देयर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो शुरू करते हैं विथ योर कार्ड्स। वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी, एंड वी ऑल्सो हैव द टेन ऑफ सोर्ड्स, जिसे हम लोग ऑब्वियसली क्लैरिफाई करने वाले हैं यहाँ पे। विद द फूल एनर्जी, द थ्री ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड द टेम्परेंस एनर्जी। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉटम डेक एनर्जी है आपका एम्परर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जेमिनाइज, आप लोग कुछ नया शुरू कर रहे हो, ठीक है। इस अक्टूबर सेकेंड हाफ ये इट्स ऑल अबाउट अ न्यू बिगेनिंग, अ न्यू स्टार्ट, ठीक है। ये कोई ऐसा स्टार्ट है लाइक आप पूरे पास्ट को कट ऑफ कर रहे हो, आप पूरे पास्ट में कुछ आप एंड कर रहे हो, एंड आप कंप्लीटली एक नया फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो। अब रिलेशनशिप हो, करियर हो, या फिर कुछ भी जो आप पहले कर रहे थे, या आपका लाइफ अभी तक जैसे चल रहा था, आपके रिलेशनशिप्स, आपका हेल्थ, आपका पर्सनल लाइफ, आपका हैबिट, आपका सब कुछ, आई सी अ कम्प्लीट न्यू चेंज, अ कम्प्लीट न्यू स्टार्ट, एज इफ लाइक ज़िंदगी को आप फिर से शुरू कर रहे हो, वैसे वाला स्टार्ट, एकदम कम्प्लीट कम्प्लीट शिफ्ट ऑफ एनर्जीज। आप नए डायरेक्शंस को चूज़ कर रहे हो, आप नई चीज़ों को कर रहे हो, नए आइडियाज़ को अंजाम दे रहे हो, नया आप कुछ चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हो। आपका माइंड बहुत ही इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब पीछे कुछ नहीं बचा, पास्ट को हील करना है एंड बस आगे बढ़ना है, आगे देखना है। सो इट्स ऑल अबाउट न्यूनेस, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू लोग, न्यू फ्रेंड्स, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू फैमिली लाइफ, या नया लाइफस्टाइल, नए हैबिट्स। मे बी आप कहीं जा रहे हो, कुछ भी आप अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हो किसी नए कोर्स के लिए, कोई आइडिया के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, आप अपना पहला बिजनेस खोल रहे हो, आप अपना पहला जॉब के लिए जा रहे हो, वॉट एवर इट इज़, आई डेफिनेटली सी सब कुछ यहाँ पे नया है। लाइक पास्ट को आपने एकदम लाइक साफ करके मिटा दिया है, एंड अभी आप बस फोकस्ड हो कि मुझे क्या नया करना है, मुझे क्या नया सीखना है, नया रास्ता क्या है मेरे सामने, ठीक है। आई फील लाइक दिस इज़ अ एनर्जी जेमिनाई जहाँ पे करियर आपका, मैं नहीं कहूँगी कि आप फोकस कर रहे हो मनी पे, हाँ मनी, पैसा, एसेट, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, बट आप जिसके ऊपर फोकस कर रहे हो वो है आपकी स्टेबिलिटी, आपका लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। आप लॉन्ग टर्म 5 साल बाद, 10 साल बाद, 3 साल बाद अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो, आप कौन सा जॉब करना चाहते हो, आप करियर को किस दिशा में लेके जाना चाहते हो, ये है आपका मेन फोकस। तो जेमिनाई इस समय मैं नहीं कहूँगी कि आप 5 दिन बाद का सोच रहे हो, मैं देख पा रही हूँ कि आप 3 साल बाद का सोच रहे हो, जो एक तरफ मैं कहूँगी कि ये एक अच्छा चीज़ है कि आप पहले से प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, सब कुछ, बजट आपका, लाइफस्टाइल आपका, सब कुछ आप उसी हिसाब से सेट कर रहे हो, सोच रहे हो, उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो,
एंड आप थोड़ा सा कम स्ट्रेस्ड हो, पहले से ज़्यादा स्ट्रेस आपके अंदर कम है क्योंकि आपको थोड़ा सा यकीन हो रहा है, थोड़ा सा बिलीव हो रहा है कि आप कुछ करने वाले हो जिसमें आप डेफिनेटली सक्सेस हासिल कर पाएंगे. सो देर इज़ अ फ्रेश होप, एक नया होप, एक नया एहसास आपके अंदर है कि हाँ, शायद इस बार मेरा काम हो जाएगा, इस बार मैं सही रास्ते पे हूँ, इस बार मैं ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी. सो यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट पावर, ठीक है, कि हाँ इस बार शायद हो सकता है वाला एनर्जी, ठीक है, क्योंकि आप लाइक आप बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, आप बिल्कुल नहीं देख रहे हो पहले आप में क्या था, क्या प्रॉब्लम था, क्या हुआ था, कितने रिजेक्शंस थे, क्यों नहीं हुआ, आप इतना सोच ही नहीं रहे हो. आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन आप प्लानिंग थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हो. वर्क पे आप फोकस्ड रहोगे जेमिनाई, बट आप उतना भी ज़्यादा वरी नहीं कर रहे हो, आप उतना भी ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हो आपके हर रोज़ की ज़िंदगी में, क्योंकि आपको जितना चाहिए उतना पैसा, उतना स्टेबिलिटी आपके पास है या रहेगा, आप उस लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि आपको पागलों जैसे पैसों के पीछे भागना होगा या आपको बहुत ओवरथिंक करना होगा, बहुत स्ट्रेस लेना होगा कि पैसे कहाँ से आएंगे, लाइबिलिटीज़, खर्चे, आपके लोन्स वगैरह वगैरह कैसे आप चुकाएंगे. इतना आपको स्ट्रेस आपको नहीं लेना होगा इस अक्टूबर में, क्योंकि एक तो आपके अंदर होप रहेगा, दूसरा आपका मेन जो अटेंशन रहेगा वो फ्यूचरिस्टिक किसी प्लान या आइडिया में, ठीक है. बट एक चीज़ जो प्रॉब्लम हो सकता है कि आप एक्शन थोड़ा सा वहाँ पे आप कंजूसी कर सकते हो, कि आप एक्शन कम ले रहे हो एंड आप सोच ज़्यादा रहे हो. चाहे आप 5 साल का बाद ही क्यों ना सोचो, लेकिन उसी हिसाब से एक्शन लेना, अभी से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना, अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना किसी फ्यूचर एग्ज़ाम, किसी फ्यूचर लाइफस्टाइल, किसी फ्यूचर करियर ऑप्शन के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. या अभी से सेविंग्स करना, अभी से इन्वेस्टमेंट्स करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आप आप बेशक जो भी कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा ही कर रहे हो, बट थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे तो आपको वो दिखेगा भी, प्लानिंग के साथ साथ आपको चीज़ें मूव होते हुए भी दिखेगा, ठीक है. सो इस टाइम पे करियर एक ऐसा चीज़ है जो बिल्कुल आपके कंट्रोल में है, मनी एक ऐसा चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है, एंड इसे आप जैसे जैसे कंट्रोल करेंगे ये वैसे वैसे आपके लाइफ में आगे बढ़ेगा. सो आप जितना समय देंगे करियर को, आप जितना आपका प्लानिंग यू नो स्ट्रांग होगा, आप देखेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आप आपके अंदर बूस्ट होगा, आप उतना ही क्लैरिटी पाएंगे अपने करियर को लेके. सो आप जो भी सोच रहे हो, फ्यूचर ओरिएंटेड सोच रहे हो, तो बिल्कुल सोचो, बेशक सोचो, लेकिन स्ट्रांग प्लानिंग रखो, एक्शन पे फोकस करो, क्योंकि इस समय आपका स्ट्रेस लेवल कम है तो आप अपने आप को या अपने फ्यूचर को थोड़ा सा समय दे पाएंगे, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी नाइस जेमिनाई. नाउ आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ चेंज. करियर में भी ये चेंज हो सकता है कि आप एक जॉब छोड़ के आप नया जॉब करने की सोच रहे हो, आप नए कंपनी में जाने की, नए बिजनेस स्टार्ट करने की. तो ये बहुत ही अच्छा समय है, ये अक्टूबर सेकेंड हाफ में आई डेफिनेटली सी बहुत सारे लोग वो कर रहे हो, वो स्विच ओवर. अब ये रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप किसी पास्ट रिलेशनशिप को फाइनली गुड बाई बोल रहे हो, फाइनली आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, ये पर्सन, ये रिलेशनशिप, ये क्रश, ये जो भी मेरा लव लाइफ में मैं इस पर्सन के साथ अटका हुआ था या अटकी हुई थी, ये बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है, आई एम डन, आई एम ओवर दिस, अब मुझसे और नहीं होगा, अब मैं इसे नहीं झेल सकती, क्योंकि आपने बहुत 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 ओवर गिव किया है किसी को, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है आपने, बहुत ज़्यादा किया है आपने, ठीक है. एंड नाउ आप थक गए हो, आप टायर्ड हो जेमिनाई, अब नहीं होता और, देन जस्ट स्टॉप इट. ये समय किसी और को देने के लिए नहीं है, ये समय खुद को देने के लिए है. आप खुद के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर पा रहे हो, खुद का कितना ख्याल रख पा रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है कि आप खुद को सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी को नहीं, आप अपने माइंडसेट, अपना माइंड, आपका माइंड भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. सो दिस इज़ अ टाइम कि आप अपने बारे में पहले सोचें, अपने आप को वो समय दे जो आप उस इंसान को देते थे, अपने आप को वो प्यार दे, वो अटेंशन दे, अपने आप को पैम्पर करे, अपनी खुशी के बारे में पहले सोचें, क्योंकि आई सी दैट आप ऑलमोस्ट
ओवर गिव कर करके एक ऐसे जगह पे आ गए हो अक्टूबर में जहाँ पे यू आर लाइक अब और नहीं हो रहा है मुझसे, आप ऑलमोस्ट किसी चीज़ पे गिव अप कर रहे हो, किसी कनेक्शन पे, किसी फ्रेंडशिप पे, किसी लाइक आपको एक टाइम पे शायद लगा था कि ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है, कि ये कनेक्शन मे बी इसमें कोई फ्यूचर है, बट फाइनली यू आर लाइक नो, अब नहीं, अब और नहीं, आई एम डन, अब जो होगा वो यूनिवर्स करेंगे, अब जो होगा वो ये पर्सन करेंगे, पर मुझसे और नहीं होगा. सो अ लॉट ऑफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स न्यू लव, न्यू सिचुएशंस, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब लाइक आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते. येस, फॉरगिवनेस, आप कम्प्लीटली फॉरगिव कर रहे हो अपने पास्ट को, अपने आप को, किसी और इंसान को, एंड आप मूव ऑन कर रहे हो बिकॉज़ यू आर लाइक अब सोचे, अब सोचना ही नहीं चाहते इस इंसान के बारे में. आप कम्प्लीटली फॉरगिव कर चुके हो, आप कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हो. सो यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टीज रह सकते हैं, मे बी कुछ लोग यहाँ पे, आप मैरिड हो या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे जिस वजह से ये वर्कआउट नहीं किया, बट ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए रेजोनेट करेगा. यहाँ पे रीज़न इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लव लाइफ में एक नया बिगेनिंग, एक नया स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आप पास्ट को भुला रहे हो, आप पास्ट में फुल स्टॉप लगा रहे हो. सो फॉर अ लॉट ऑफ यू आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपने एनर्जीज को सिक्योर कर रहे हो. सो दैट इज़ वॉट आई हैव जेमिनाइज, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज. ये जो भी आप नया करने जा रहे हो, जो भी ये आपका नया विजन है लाइफ के बारे में, इसके ऊपर ज़रूर फोकस करना, एंड ये समय लेना अपने आप के लिए, अपने आप को ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, ज़्यादा अपने ग्रोथ पे फोकस करने के लिए. एंड आप एक्चुअली सही डिसीशंस ले रहे हो. सो ये समय ज़्यादा दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं या दूसरे लोग अपना ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, ये सब के लिए मत लगाना, लाइक ये आपके लिए अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा. सो यू नो, जस्ट स्टे इन योर एनर्जी एंड हैव दैट कंट्रोल. उस कंट्रोल को रखो अपने ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर, एंड यू विल सक्सीड इन दिस. ये जो नया जर्नी है, ये जो नया चैप्टर है, ये डेफिनेटली आपके लिए बेटर होने वाला है पहले से, एंड ये नया चैप्टर आपके लाइफ में बहुत से नए चीज़ों को लेके आएंगे, नया लोग, नया सिचुएशंस, एक्सपीरियंसेस, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्रोथ. स्पेशली आप ग्रो कर रहे हो पहले से इस नए चैप्टर के साथ, चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो, जो लेसन्स आपने ऑलरेडी ले लिया है, जिन लोगों को आपने ऑलरेडी माफ़ कर दिया है. सो आप बिल्कुल एक नई शुरुआत कर रहे हो अक्टूबर सेकेंड हाफ से. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट जेमिनाई. थैंक यू सो मच, एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाई जेमिनाइज.